Hello and welcome in my YouTube channel Punya English Classes. Students, आज जो मैं आपको इस क्लास में करवा रहा हूँ वो है 12th compulsory, 12th English compulsory का सिलेबस. यहाँ पर मैं अब इस वीडियो के साथ में 12th English compulsory के लिए भी मैं वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ और वो मैं अपलोड करता रहूँगा समय समय के ऊपर. तो मेरे साथ जुड़े रहिए अपने सिलेबस को करने के लिए. मैं आपसे वायदा करता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो आपसे बाहर हो जाएगी और आप बहुत अच्छी तरह से उसे समझेंगे. तो आज जो मैं सबसे पहले वीडियो बना रहा हूँ वो है 12th क्लास कंपलसरी के लिए सिलेबस. क्योंकि जब भी एक सैनिक लड़ने के लिए जाता है तो खाली हाथ और बगैर विजन के नहीं जाता. एक मोटो होना चाहिए ना कि भाई हमें करना क्या है, और उसी के लिए आज मैं सबसे पहले बता रहा हूँ कि हमें करना क्या है. तो हमें करना ही जो चीज़ें हम करेंगे 12th क्लास के लिए वो यहाँ पर लिखी है. मैंने दो सेक्शन अभी मैंने लिखे हैं और दो सेक्शन इसके बाद में मैं लिखूँगा. टोटल चार सेक्शन होते हैं हमारे इंग्लिश कंपल्सरी के अंदर. तो देखते हैं क्या होता है. सबसे पहले सेक्शन ए, ये सिलेबस है. और सिलेबस में सेक्शन ए जो आएगा वो हमारा 15 मार्क्स का होगा. और उसके अंदर जो फर्स्ट 9 क्वेश्चन होंगे, 1 to 9 क्वेश्चन, वो हमारे पैसेज के होंगे जो एक अनसीन पैसेज होगा. और ये अनसीन पैसेज जो है वो 9 मार्क्स का होगा. क्लियर? अब वो क्वेश्चन कैसे आएंगे वो समझ लीजिए कि फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो होंगे वो फ्रॉम द पैसेज, यानी कि पैसेज में से आएंगे आपके, जो पैसेज के अंदर ही आपको आसानी से मिल जाएंगे, जिन्हें अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है. पर उसके बाद में 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो स्किल्ड टाइप क्वेश्चन होंगे. और स्किल्ड टाइप क्वेश्चन के अंदर हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमें एग्जैक्ट वहाँ नहीं मिलते. एक्चुअली क्या होता है कि हमारे माइंड में एक शुरू से ही सेटअप बना हुआ है कि भाई जो क्वेश्चन होगा वो एज इट इज़ हमें जो है वो आंसर में मिल जाएगा, उस पैसेज में मिल जाएगा, और हमें जो है वो उसको करने में आसानी होगी. हम उठा करके ऐसा का ऐसा लिख देंगे. पर होता क्या है कि जो एग्जामिनर है वो आपसे क्या चाहता है, एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप मुझे क्वेश्चन ढूंढ करके निकाल करके दें, अपनी स्किल्ड जो है वो यूज़ करें, जिसके अंदर वो घुमा फिरा करके 2 क्वेश्चन पूछता है जो कहीं ऊपर नीचे जो है उस लाइन के दिए हुए होते हैं. तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके एंटोनियम, सिनोनियम या वन वर्ड के रूप में आते हैं, फाइंड द सेम मीनिंग या ओपोजिट के रूप में जो है वो हमसे पूछ लिया जाता है. उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 10 और 11, जिसके अंदर सबसे पहले नोट मेकिंग होता है. ये एक नया टॉपिक है 12th क्लास के लिए, नोट मेकिंग, यानी कि नोट्स बनाना. कि जैसे हम ज़्यादातर सब्जेक्ट्स में करते हैं, इकोनॉमिक्स में आप ले लीजिए, आप पॉलिटिकल में ले लीजिए, आप फिजिक्स में ले लीजिए, केमिस्ट्री में ले लीजिए, आप मैथ्स में ले लीजिए, कहीं पर भी ले लीजिए, जो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखते हैं हम क्या करते हैं उसको छोटे रूप में लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं. एक हेडिंग लिखी, उसके बाद में उसकी सब हेडिंग्स बना देते हैं. तो ऐसे ही हमें भी क्या करना होगा, एक पैसेज दिया होगा, वो भी अनसीन पैसेज होगा, और उस अनसीन पैसेज में से हमें क्या करना होगा, नोट मेकिंग करना होगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट के. तो हैविंग 2 क्वेश्चंस, इसमें भी 2 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 6 मार्क्स का होता है. जो क्वेश्चन नंबर ए होगा नोट्स मेकिंग का होगा, जिसमें हमें नोट्स मेकिंग बनाना होगा, जिसका एक पर्टिकुलर मेथड होता है जो मैं आपको समझाऊंगा आगे के वीडियोस में. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर बी जो होगा वो समरी का होगा, और उसके साथ साथ में हमें एक अप्रोप्राइट टाइटल, एक सही टाइटल जो है वो हमें लिखना होगा. और ये दोनों मिला करके 6 मार्क्स के होते हैं, 4 मार्क्स का नोट मेकिंग और 2 मार्क्स का जो है समरी और टाइटल होगा. समरी, ब्रीफ समरी, जो हमें 1/4 पार्ट्स में लिखनी होती है. उसके बाद में नेक्स्ट आता है सेक्शन बी. सेक्शन बी जो है वो 25 मार्क्स का होता है, जिसमें हमसे क्या पूछा जाता है. क्वेश्चन नंबर 12 जो आएगा वो होगा नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, इनविटेशन रिप्लाई, फॉर और अगेंस्ट, पोस्टर मेकिंग. ये इसमें पॉइंट्स हैं. हमारे पास में जो टॉपिक हैं वो कौन से हैं, एक ही क्वेश्चन के टॉपिक हैं ये.
नोटिस एडवर्टाइजमेंट इनविटेशन रिप्लाई फॉर और अगेंस्ट पोस्टर मेकिंग, जिसमें से दो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं और दो में से एक क्वेश्चन हमें करना होगा जो कि 4 मार्क्स का होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमें नोटिस और एडवर्टाइजमेंट दे दिया, इन दोनों में से फिर हमें एक करना होगा, या फिर नोटिस के साथ में इनविटेशन रिप्लाई दे दिया। इनविटेशन रिप्लाई भी दो प्रकार के होंगे, डिक्लाइन करना और एक्सेप्ट करना। तो मैं आगे के वीडियोस में एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर करते हुए चलूंगा कि कैसे आपको जो है वो नोटिस करना है, एडवर्टाइजमेंट बनाना है, इन्विटेशन रिप्लाई जो है वो हम कैसे देंगे। फॉर और अगेंस्ट एक टॉपिक दिया होगा जिसमें हमें उसके अगेंस्ट में भी लिखना है और उसके फेवर में भी लिखना है। Suppose that you have given a topic, mobile is useful for the students. अब आपको उसके अगेंस्ट में और उसके फेवर में लिखना है, ऐसे ही पोस्टर बनाना। तो ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें लेटर आता है। लेटर के अंदर हमारे पास में 4 तरह के लेटर जो है वो इसमें पूछे जाते हैं। एक होता है बिजनेस लेटर, एक ऑफिशियल, ठीक है, उसके बाद में लेटर टू एडिटर, संपादक को पत्र लिखना, और एक जॉब एप्लीकेशन। 4 तरह के लेटर जो है वो हमारे सिलेबस में है, जिसमें से हमें 2 लेटर जो है वो पूछे जाते हैं। इन दोनों में से एक पूछ लिया जाएगा, इन दोनों में से एक पूछ लिया जाएगा। तो आउट ऑफ एनी 2, 1 विल बी अटेम्प्टेड, कि 2 में से 1 हमें अटेम्प्ट करना होगा, और ये क्या है, 7 मार्क्स का है, ठीक है। उसके बाद में रिपोर्ट राइटिंग या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, रिपोर्ट राइटिंग लिखनी होगी। रिपोर्ट एक तरह की ही हमारे पास में आती है, तो वैसे तो 3-4 प्रकार की रिपोर्ट राइटिंग है, हम वो सारी नहीं करके जो भी हमारे सिलेबस में है वो रिपोर्ट राइटिंग हम इसमें करेंगे। या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, ये हमसे पूछा जाएगा, पैराग्राफ के रूप में होगा, तो ये भी 7 मार्क्स का होता है, ठीक है। और उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 15 आएगा, आर्टिकल या स्पीच। हर टॉपिक अलग अलग है, लिखने में सबका अपना अपना अलग अलग अंदाज है, इसीलिए आपको जो आपकी राइटिंग स्किल्स को सुधारने के लिए ये टॉपिक आपके यहाँ पर सिलेबस में दिए हुए हैं। आर्टिकल है, आर्टिकल लिखने का अपना तरीका अलग है, स्पीच जो है इसको अलग तरीके से लिखते हैं। रिपोर्ट राइटिंग जैसे पास्ट में हो जाएगी। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन डिपेंड करता है कि आपके पास में क्या टॉपिक दिया गया है, ठीक है, तो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग इसको लिखा जाता है प्रेजेंट और पास्ट के अंदर। ऐसे ही आर्टिकल है, स्पीच है, इनको अलग अलग अंदाज में लिखा जाता है। अब आर्टिकल और स्पीच भी आपसे वर्बल भी पूछा जा सकता है और विजुअल इनपुट के माध्यम से भी पूछा जा सकता है। विजुअल इनपुट में क्या है कि आपको एक फ़ोटो दे दी, आपको एक किसी की पिक्चर दे दी, 2-3-4 पिक्चर दे दी, और कहा गया कि राइट ऑन दीज पिक्चर्स या राइट अबाउट हिम और हर, या जो भी है एक सिचुएशन बना करके दे दी गई और उसकी पिक्चर्स बना दी, और उसके बाद में आपको कहा कि एक इसके ऊपर आर्टिकल लिखिए। तो ये तो था हमारे पास में सेक्शन ए और सेक्शन बी। इसके बाद में हमारे पास में आता है सेक्शन सी। सेक्शन नंबर सी के अंदर हमारे पास में क्या है, 2 बुक्स हैं, एक है रेनबो और दूसरी आती है पनोरमा, जो कि सेक्शन सी में रेनबो है और सेक्शन डी के अंदर पनोरमा है, ठीक है। तो अब इसको देख लीजिए कि क्या क्या इसमें आता है। जो रेनबो बुक है, इस बुक्स के अंदर एक पार्ट है हमारा चैप्टर्स का और दूसरा पार्ट है पोएम्स का, जिसमें हमारे पास में पोम्स है, 6 पोम्स है, और उसके बाद में चैप्टर्स हैं। जो चैप्टर्स पार्ट है वो 15 मार्क्स का है, और उस 15 मार्क्स में से 8 मार्क्स के जो है वो 30-40 वर्ड्स के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 4 क्वेश्चंस विल बी आस्क, 4 क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे। 4 × 2 = 8, 5 क्वेश्चन होंगे, आउट ऑफ 5 यू विल अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन। उसके बाद में एक सेकंड पार्ट जो इसमें आता है वो 7 मार्क्स का होता है, एक जो है जिसमें 125 वर्ड्स का एक बड़ा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। 1 out of 2, 2 क्वेश्चन आपको दिए गए होंगे और उसमें से 1 क्वेश्चन आपको करना होगा। तो 8 and 7, 15। पोएम 10 मार्क्स की है आपकी। ये पोम जो आपकी है इसमें एक तो एक्सट्रैक्ट आएगा, पैसेज के रूप में आएगा विद क्वेश्चंस, जिसमें क्वेश्चंस दिए होंगे, 3 क्वेश्चंस दिए होंगे 4 मार्क्स के, 2+1+1, ऐसे 4 मार्क्स के जो है वो क्वेश्चन दिए गए होंगे। उसके साथ साथ में 3
क्वेश्चंस ऑफ 30 to 40 वर्ड्स, तीन क्वेश्चंस जो हैं वो आपके 30 to 40 वर्ड्स के जो वो पूछे जाएंगे, जो 6 मार्क्स के होंगे। इनमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा करने के लिए। तो इस तरह से सेक्शन सी जो है वो आपका किसका है, रेनबो का है, जिसमें हम ये करेंगे। फिर उसके बाद में आता है सेक्शन डी, इसके बाद में आता है पनोरमा। पनोरमा जो है वो आपका 15 मार्क्स का है, और इस 15 मार्क्स के अंदर 8 मार्क्स के जो हैं वो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो 30 to 40 वर्ड्स के होंगे। और इनमें से आपको एक ऑप्शन भी मिलेगा, आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड एंड यू विल अटेम्प्ट 3-4 क्वेश्चंस। ओके, तो आप 4 क्वेश्चंस जो है वो इसमें अटेम्प्ट करेंगे। 7 मार्क्स का जो है वो 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको करना होगा 125 वर्ड्स में, जिसे हम लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं। वन आउट ऑफ टू, दो में से एक आपको अटेम्प्ट करना होगा। तो ये है हमारे पास में सिलेबस कि जिसे हमें करना है। अब हमें देखना ये कि हमें कौन सा पार्ट पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, कौन सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर ध्यान बुक्स के ऊपर देते हैं, जिसकी वजह से हम इनको कर नहीं पाते और हम अच्छे अंक नहीं ले पाते, अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। तो आप मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पूनिया इंग्लिश क्लासेस में बने रहिए, जिसके अंदर मैं आपको छोटे से छोटी चीज़ के साथ में, बहुत ही ट्रिक के रूप में, छोटे छोटे ट्रिक के साथ में मैं आपको आपके ये सारे कंटेंट्स जो हैं वो मैं करवाऊंगा, आपके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करवाऊंगा। और मैं आपसे वायदा करता हूं कि आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो बस बने रहें मेरे YouTube चैनल के साथ में, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।